हाय, फोकस बायोलॉजी के इस लाइव प्रोग्राम में मैं वरुण प्रभात आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यहां क्लोज्ड तथा ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के विषय में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करने वाला हूं तथा बहुत सारी लाइव प्रोग्राम करने वाला हूं, जिसकी अग्रिम सूचना आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलती रहेगी। व्हाई माय लेक्चर, एवरी पॉइंट इज डेल्ट विद अ क्लियर डायग्राम। मेरी लेक्चर में प्रत्येक पॉइंट को एक स्पष्ट डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन की गई है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन साउंड एंड कर्सर फॉर बेटर कंसंट्रेशन। कर्सर और आवाज़ के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन रखी गई है ताकि आपको वीडियो के दौरान अच्छी कंसंट्रेशन मिल सके। क्लियर वॉइस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर दिस लेक्चर यू हैव फेयर कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, शार्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो आइए हम देखते हैं क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को। आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को एक बार समझते हैं। ये हार्ट की हुई, हार्ट से आर्टरी निकलती है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। आर्टरी आगे चल के आर्ट्रियोल में विभक्त हो जाती है और ये आर्ट्रियोल यहाँ पे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है और इस कैपिलरीज से ही वेन्यूल्स निकलती है। ये वेन्यूल्स आगे चल के वेंस का निर्माण करती है और ये वेंस ब्लड को हार्ट में पुनः वापस ला देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्लड जो कि हार्ट द्वारा पंप होता है हर हमेशा एक वेल डिफाइंड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करती है और इस तरह के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हम क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज पे आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स दोनों कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरीज व्हिच आर कनेक्टेड बाय आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा। ये पाए जाते हैं एनेलिड्स तथा वर्टिब्रेट्स में। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को एक बार समझते हैं। ये इंसेक्ट है और ये इसका ट्यूब्यूलर हार्ट है। हार्ट में यहाँ आप ये पोर देख रहे हैं, ये पोर्स में वाल्व्स होते हैं
जो कि पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। ये वेसल्स है, इस वेसल्स के थ्रू ब्लड बाहर आती है। ये स्ट्रक्चर साइनसेस कहलाते हैं। दीज ऑल आर साइनसेस और चैनल्स। यहाँ पे सेल्स और ब्लड के बीच एक्सचेंजेस होते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं और ब्लड इस वेसल्स के थ्रू साइनसेस में आ जाते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करती है तो पोर्स खुल जाते हैं और ब्लड, यानी कि यहाँ पे हम कहें तो हीमोलिम्फ, पोर्स के थ्रू हार्ट में वापस चली जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैपिलरीज और वेंस की तरह कोई रचना नहीं होती। ब्लड वेसल्स के थ्रू आती है और ओपन स्पेस जिसको हम हीमोसील कहते हैं में आती है, रिलीज होती है। हीमोसील सीलोम का रेमनेंट है, ट्रेसेस है। यहाँ हम इस डायग्राम में देखें, ये हार्ट हुआ, हार्ट से ये वेसल्स आई, इससे ब्लड यानी कि हीमोलिम्फ साइनसेज में आ गए, साइनसेज में ऑर्गन्स हैं, फिर ये हीमोलिम्फ ये पोर हुए, पोर्स के थ्रू हार्ट में वापस चली जाती है। तो यहाँ पर ब्लड एक वेल डिफाइंड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल नहीं करती, यहाँ पे कैपिलरीज और वेन्यूल्स लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, इसीलिए इसे हम ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। व्हेन ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट गोज थ्रू वेसल्स दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय कैपिलरीज, देन इट इज कॉल्ड ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इट डज नॉट हैव कैपिलरीज एंड वेंस, मतलब इसमें कैपिलरीज और वेंस लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। यहाँ पर होते हैं साइनसेस और चैनल्स जो कि हीमोसील के बने होते हैं, और ये चैनल्स सीलोम के ही रेमनेंट्स हैं। ये मॉलस्क्स तथा आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।